जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें ये पांच काम। पहला, जलाएं कपूर। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि कपूर जलाने से वास्तु दोषों के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए हो सके तो प्रतिदिन या फिर सप्ताह में एक बार कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में होने लगता है। दूसरा, सरसों के तेल का दीपक। मित्रों, शाम को पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। मित्रों, यकीन मानिए, ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत आती है। तीसरा, शाम के समय ना लगाएं झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और माँ लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी का वास घर में हो जाता है, जिससे दरिद्रता पीछे पड़ जाती है। चौथा, पहली रोटी गाय को खिलाएं। मित्रों, घर में जब भी पहली रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें दूध के थोड़े से छींटे ज़रूर मार दें। मित्रों, ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलता है एवं इसके साथ साथ पहली रोटी गाय को अवश्य निकालें। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। पांचवा, पक्षियों को खिलाएं दाना। जी हाँ मित्रों, रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी शुभ माना गया है। इससे कुंडली के दोषों से छुटकारा मिल जाता है एवं इसके साथ ही जीवन में तरक्की व सुख समृद्धि आती है। मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।